का वीडियो अपना खास और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, खासकर मैकेनिक भाइयों के लिए। तो ये है अपने पास बाइक E20 2024 का मॉडल है और इसके अंदर हम OBD स्कैनर V317 की कनेक्टिविटी लेने वाले हैं। कि BS6 बाइक के अंदर तो हमने पूरी टेस्टिंग की हुई है, लेकिन BS7 बाइक के अंदर ये जो OBD स्कैनर है V317 OBD किंग ये काम करेगा, तो इसी के ऊपर अपना ये वीडियो डिटेल में रहे। तो आपको यहाँ पे देख के पता चल ही गया होगा कि ये E20 का मॉडल है और यहाँ पे E20 के अंदर जो होंडा वाला कपलर है ये दिया हुआ है। तो इसको अपन को जो OBD स्कैनर है उसको किस प्रकार से इसके अंदर कनेक्ट करना होगा और इसमें आने वाले फॉल्ट कोड को किस प्रकार से अपने को जो OBD स्कैनर V317 है उसके द्वारा रिसेट करना होगा, क्योंकि कई मैकेनिक भाई ऐसे हैं जो कि OBD स्कैनर तो ख़रीद लेते हैं लेकिन उनको ये मालूम नहीं रहता कि इस OBD स्कैनर को कनेक्ट किस प्रकार से करें, फॉल्ट कोड किस प्रकार से ढूंढें, कोड को किस प्रकार से रिसेट करें, यानी कि जो इसका इश्यू है वो उसको किस प्रकार से रिफ्रेश करें। तो आज के इस वीडियो में अपने पास है यहाँ पे OBD किंग V317 और इसी के ऊपर अपन इसकी कनेक्टिविटी लेने वाले हैं कि BS7 बाइक के अंदर ये किस प्रकार से वर्क करेगा, इसमें आने वाले फॉल्ट कोड को किस प्रकार से रिसेट करें, सब कुछ सारा डिटेल के अंदर रहने वाला है। तो फटाफट से करने क्या वाले हैं, जो इसका ये वाला कपलर है इसको आपको यहाँ से जो इसकी कैप है इसे ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से जो इसकी कैप है इसे इस प्रकार से यहाँ से ओपन कर लेना होगा और उसके बाद में अपने को जो इसकी यूनिवर्सल केबल होती है डेटा लिंक कनेक्टर, तो उसके अंदर यहाँ पे एक होंडा का कपलर दिया होता है, एंटोर कार्बन 5 होंडा पे प्लस और सुजुकी ये वाला कपलर इसके अंदर ऐड होना है। तो इसको अपन सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है बिल्कुल ईजिली। और आपको अब करना क्या है, जो कि अपना OBD स्कैनर है पिन है ये वाला सॉकेट, इसको इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। ये यहाँ पे हमने जो V317 OBD किंग है उसे यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है और अब करना क्या होगा, आपको जो बाइक का स्विच है इसे ऑन करना होगा। तो ये हमने इसका स्विच ऑन कर लिया है इस प्रकार से आप देख सकते हो, आपको इसके पूरे फंक्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे, आपको ओके करना है सबसे पहले। ओके करने के बाद यहाँ पे फॉल्ट कोड के अंदर एक कोड जनरेट हो रहा था और आपको यहाँ पे रीड DTC के अंदर चलना है। रीड DTC पे चलकर आपको देखना है कि बाइक के अंदर कौन कौन से कोड या फॉल्ट कोड है या कौन से सेंसर एक्चुएटर के कोड है वो यहाँ पे शो होते हैं। तो यहाँ पे आपको P0198 ठीक है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई, यहाँ पे जो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का कोड है जो कि हमने यहाँ से रिमूव किया था, तो उसी का कोड यहाँ पे शो हो रहा है। अब बारी आ जाती है कि इसको रिसेट किस प्रकार से करें, तो इसको रिसेट करने के लिए आपको यहाँ से बैक जाना होगा, इरेज करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे ऊपर के दो सर्कल के एरो दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको क्लियर DTC पे चलना होगा। क्लियर DTC पे जाने के बाद आपको फिर से यहाँ से ओके करना होगा। ओके करने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि इरेज ट्रिपल कोड्स आर यू श्योर, तो आपको यस करना है, तो यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से ओके करना है और ये तुरंत बैक चला जाता है। उसके बाद में आपको बाइक का एक बार स्विच ऑफ करना है, ऑफ़ करने के बाद फिर से इसे ऑन करना है, तो जो अपनी बाइक के अंदर इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का कोड था वो यहाँ से हटना चाहिए। तो फिर से अपन ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से जो अपना कोड था वो एक कोड दिखा रहा था, उसके बाद में रीड DTC पे चलते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी बाइक के अंदर सेंसर के कोड थे यानी कि इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का कोड था वो यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार से आप जो इस बाइक के अंदर है वो OBD किंग V317 को कनेक्ट कर सकते हो और इस प्रकार से BS7 बाइक में आने वाले कोई से भी सेंसर का फॉल्ट कोड हो उसे आप इस प्रकार से बिल्कुल ईजिली और आसान तरीके से उसको रिसेट कर सकते हो। बेस्ट OBD स्कैनर है खासकर मैकेनिक भाइयों के लिए। यदि आप इस स्कैनर को परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल वाजिब रेट के अंदर आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी भी हमारे पास उपलब्ध है और आप इस प्रकार से भी खरीदना चाहो तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो देर किस बात की, यदि इस OBD स्कैनर को अभी तक किसी मैकेनिक भाई ने नहीं खरीदा है तो वो तुरंत खरीद सकता है और ये हर एक बाइक के अंदर वर्क करेगा। इसके साथ में हम PDF प्रोवाइड करवाएंगे यदि आप इसे खरीदने के इच्छुक हो तो। जो हमारे पास कस्टमर है वो ख़रीदते हैं तो उनको हम प्रोवाइड भी करवाते हैं PDF साथ में। तो आज के वीडियो में यही था, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।